अस्सलामुअलैकुम, बॉलीवुड हेडक्वार्टर्स में खुश आमदेद। मैं हूँ मोहम्मद कामरान। मैं हूँ युसरा नजम और बुलेटिन में मैं हूँ शाइस्ता शहजाद। हेडलाइंस आप जान चुके बुलेटिन, लेकिन सबसे पहले आपको बताएं कि सियासी माहौल गर्म हुआ तो आसिफ जरदारी भी मौज में आ गए। आखिरी लम्हात में लॉन्ग मार्च में पहुंचे और सियासी रहनुमाओं को फोन भी घुमाने लगे। आज चौधरी शुजात से मुलाकात भी करेंगे। काफ लीग का वजन तहरीक अदम एतमाद के दौरान ऑपोजिशन के पलड़े में डालने की दरख्वास्त भी करेंगे। पीपी लॉन्ग मार्च भी अपना रंग जमा कर इख्तिताम को पहुंच गया। अपडेट कर रहे हैं आपको, सियासी माहौल जब गर्म हुआ तो आसिफ अली जरदारी भी मार्च में आए और आखिरी लम्हात में लॉन्ग मार्च में पहुंचे, सियासी रहनुमाओं को फोन भी घुमाए। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान आज अहम दौरे पर कराची के लिए रवाना हो गए हैं। कप्तान हुकूमत ही इत्तेहादियों को मुल्की सियासी सूरतेहाल की रोशनी में एतमाद मिलेंगे। वज़ीर-ए-आज़म एमकेएम के मरकज का अहम दौरा करेंगे। इत्तेहादी जमात के तहफ्फुज़ात का जायजा लिया जाएगा। गवर्नर हाउस में पार्टी रहनुमाओं से खिताब भी होगा। एहसास प्रोग्राम से मुतालिक तकरीब में शिरकत करेंगे। इत्तेहादियों को मनाने का मिशन, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का अहम दौरा कराची। वज़ीर-ए-आज़म कराची में एमकेएम के मरकज का तारीखी दौरा भी करेंगे। गुफ्तगू में इत्तेहादी जमात के तहफ्फुज़ात का जायजा लिया जाएगा। ऑपोजिशन की तहरीक अदम एतमाद पर भी तबादला ख्याल होगा। वज़ीर-ए-आज़म के हमराह गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल और वफाकी वज़रा भी कराची पहुँचेंगे। गवर्नर हाउस में पीटीआई अराकीन सिंध असम्बली और पार्टी रहनुमा भी वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात करेंगे, जबकि इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म का खिताब भी मुतवक्के है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान नेशनल स्टेडियम में एहसास प्रोग्राम के तहत तकरीब में शिरकत करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान आज कराची का दौरा करेंगे। अहम इत्तेहादियों से मुल्की सियासी सूरतेहाल की रोशनी पर उनकी गुफ्तगू होगी। एमकेएम के मरकज का भी दौरा होगा। अपने इत्तेहादियों से मुलाकातें होंगी। इसके अलावा गवर्नर हाउस में भी पार्टी रहनुमाओं से खिताब करेंगे। ब्यूरो चीफ गुलाम मुर्तजा इस वक्त हमारे साथ हैं, उनसे हम बात करेंगे। गुलाम मुर्तजा बताएगा, बहुत अहम दौरा होगा वज़ीर-ए-आज़म का और पहली बार वो एमकेएम के मरकज का दौरा करेंगे। क्या कहेंगे सारी सूरतेहाल पर आप? इमरान खान आज कराची का एक रोजा दौरा कर रहे हैं और जो सियासी हलचल है इस्लामाबाद में, उसके बाद उनका ये बड़ा अहम दौरा है। वहाँ पे एक तरफ तो वो अपने पार्टी के जो अराकीन हैं उनसे मुलाकात करेंगे और गवर्नर हाउस में उनकी जो मुलाकातें हैं वो भी कुछ सियासी रहनुमाओं से तय हैं। इसके साथ साथ वो जाएंगे 90 वहाँ पर मुलाकात करेंगे एमकेएम के वफ से और एमकेएम के रहनुमाओं से। वो आजकल की जो सियासी सूरत हाल है उस हवाले से उनको एतमाद में लेंगे और उनसे उनकी आरा जानेंगे। इसके साथ वज़ीर आज़म ने ख्वाहिश का इजहार किया था कि उन्हें पीर साहब फगाड़ा शरीफ जो हैं उनसे भी मुलाकात उनकी करवाई जाए। कोशिश होगी कि उनसे भी उनकी मुलाकात जो है वो करने की कोशिश की जा रही है कि उनसे मुलाकात हो जाए और जीडीए के रहनुमाओं से भी वो मिलना चाहते हैं, जिसके लिए गवर्नर इस्माइल जो है इमरान इस्माइल वो पूरी कोशिश कर रहे हैं। यहाँ ये और भी काबिल जिक्र है कि वज़ीर आज़म के खिलाफ गुज़िश्ता रोज़ तहरीक अदम एतमाद पेश हो चुकी है अपोजिशन की जानिब से और वज़ीर आज़म अभी जो मुलाकातें हैं इनमें जीडीए के जो तीन अराकीन कौमी असम्बली हैं इस हवाले से उनसे भी मुलाकात करेंगे और एमकेएम के 7 अराकीन असम्बली हैं उनसे भी मुलाकात करेंगे। तो उनकी ख्वाहिश है कि ये लोग उनका साथ दें। बहुत शुक्रिया। सारी सूरत हाल पर ये अहम मुलाकातें होने जा रही हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान इस्लामाबाद, गुलाम मुर्तजा हमें आगाह कर रहे थे। हम अवामी हुकूमत के ख्वाहां हैं, सब सियासी जमातों से बातचीत कर रहे हैं, जमात इस्लामी भी साथ दे, पीटीआई के बाज़ अमीर लोग हुकूमत के ख़िलाफ़ हैं। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ की अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक से इस्लामाबाद में मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू, कहा इमरान खान ने मुल्क को तबाही के दहाने पर पहुँचा दिया। और अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं, अदम एतमाद एक जमहूरी और आईनी तरीक़ाकार है। अपनी जमात का इजलास बुलाकर अदम एतमाद पर मुशावरत और फैसला करेंगे। अफराद नहीं बल्कि निज़ाम बदलने की ज़रूरत है। उनका कहना था कि हुकूमत ने अवाम का जीना मुश्किल बना दिया है।
सिंध में फैसलादा की खाली होने वाली नशिस्त पर पोलिंग जारी है। अरकान सिंध असम्बली अपना हक राय दही इस्तेमाल कर रहे हैं। मुत्तहिदा अपोजिशन ने सेनेट इंतखाबात का बॉयकॉट कर दिया है। तहरीक इंसाफ, एमकेएम और जीडीए के अरकान वोटिंग में हिस्सा नहीं ले रहे। पीटीआई की जानिब से आगर सलाम सेनेट नशिस्त के उम्मीदवार थे। बॉयकॉट की वजह से पीपुल्स पार्टी के उम्मीदवार निसार खोड़ो की जीत यकीनी दिखाई दे रही है। फैसल वावडा की खाली होने वाली सेनेट की नशिस्त, पीपल्स पार्टी को मैदान खुला मिल गया। तहरीक इंसाफ, एमक्यूएम और जीडीए अरकान का इलेक्शन का बायकॉट। सिंध में फैसल वावडा की खाली होने वाली सेनेट की नशिस्त पर पोलिंग जारी है। ताहम सिर्फ पीपल्स पार्टी के अरकान सिंध असम्बली ही अपना हक राय दही इस्तेमाल कर रहे हैं। मुत्तहिदा अपोजिशन ने सेनेट इंतखाब का बायकॉट किया है। तहरीक इंसाफ, एमक्यूएम और जीडीए अरकान ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। पीटीआई की जानिब से आगा अरसलान सेनेट नशिस्त के उम्मीदवार हैं। अपोजिशन के बायकॉट की वजह से पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार निसार खोड़ो की जीत यकीनी दिखाई दे रही है। सेनेट की ये नशिस्त फैसल वावडा की दोहरी शहरियत केस में नाअहली की वजह से खाली हुई थी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।